आज हम हमारे देश की हमारी जो पवित्र नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या सभी तैयार हैं? यस। बेटे हमारे देश में 4000 से भी अधिक नदियां हैं, लेकिन हम उन सभी के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए जो महत्वपूर्ण नदियां हैं सबसे, हम उन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपने एक हमारा राज्य है पंजाब, पंजाब की क्या राजधानी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़, वहां 5 नदियां पाई जाती हैं। कितनी? 5। इसीलिए इसका नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाब। पंजाब मतलब जहां 5 नदियों का जल आता हो उसे क्या बोलते हैं? पंजाब। पंजाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये 5 नदियां हैं, इसीलिए इसका नाम है पंजाब। और उसके बाद जो हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है गंगा। कौन सी है? गंगा। हम सभी लोग जाते भी हैं गंगा स्नान में। कितने लोग जाते हैं? सभी लोग जाते हैं। ये जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकली हुई है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी गंगा है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और इसी के साथ एक नदी निकली है, इसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। यमुना और गंगा, यमुना और एक तीसरी नदी है सरस्वती। वो जो तीनों नदियां जहां पर मिलती हैं उस स्थान को बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं? संगम। जो इलाहाबाद में है, जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां 3 नदियां मिलती हो, जहां त्रिवेणी संगम हो, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसीलिए विदेशों से, बहुत दूर से देश हमारे यहाँ संगम पर आते हैं, ठीक है। जिसका जो इलाहाबाद में जहां संगम है, आज वर्तमान समय में उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम कर दिया गया है प्रयागराज। क्या कर दिया गया? प्रयागराज। क्योंकि हमारे देश का जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, इसीलिए ज्यादातर नदियां जो है वो किधर रहती हैं? पश्चिम से पूरब दिशा की ओर, ठीक है। उसी में एक नदी और है, ये है, आप देख रहे हैं ये कौन सा अक्षर बन रहा है? यू। यू बन रहा है, इंग्लिश का यू। ये नदी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ये नदी ब्रह्मपुत्र है और ये जब हमारे देश में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। लेकिन जब ये नदी, ये जो देश है यहाँ पर बांग्लादेश, क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। जमुना, आप अगर किसी से पूछेंगे तो ये कहेगा कि यमुना और जमुना दोनों एक ही नदी है, एक ही नदी के दो नाम है, पर ऐसा नहीं है। यमुना अलग है और जमुना अलग है। ये आपको क्लियर हुआ? यस। अब आपसे कोई अगर ये कहे कि जमुना का ही नाम यमुना है तो आप उसे बताएंगे कि जो जमुना नाम है वो किस नदी का है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। ये तो सारी नदियां हो गई, ये सिंधु नदी, झेलम, रावी और सतलज, जो वास्तविक पंजाब है वो इस समय पाकिस्तान में है। ये 5 नदियों का जल जो है इस समय वर्तमान समय कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब 2 नदियां और है महत्वपूर्ण जो हमने आपको बताया। सभी नदियां किधर बहती है? पश्चिम से पूरब की ओर। ये नदियां दो हैं जो बहती हैं एकदम उल्टी दिशा में, पूरब से पश्चिम की ओर। एक का नाम है नर्मदा और दूसरी का नाम है ताप्ती। ताप्ती, समझ में आया? यस सर। तो पश्चिम में बहने वाली जो नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। 3 नदियां और हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनमें से एक है गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। क्योंकि ये दक्षिण दिशा में है इसलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। देखिए गंगा से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि गंगा सबसे बड़ी नदी है हमारे देश की, इसीलिए इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा। उसके बाद एक नदी है कृष्णा और एक है कावेरी। एक कृष्णा नदी और एक कावेरी।
कावेरी। कुल मिला के टोटल कितनी नदियां आई अगर हम जोड़ें तो पांच नदियां ये और एक छह यमुना, गंगा सात, सरस्वती आठ, ब्रह्मपुत्र नौ, दो ये ग्यारह, ग्यारह और तीन टोटल चौदह जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं वो ये हैं। और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि गंगा नदी जब फरक्का से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है? पद्मा। और गंगा और यमुना दोनों नदियां मिलती हैं और क्योंकि हमारे देश के तीन और समुद्र है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व इधर दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, तो इस खाड़ी में गिरने से पहले ये दोनों नदियां का जल आपस में मिल जाता है और एक विशाल डेल्टा का निर्माण करता है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी दो नदियां बनाती है? ब्रह्मपुत्र और गंगा। गंगा यो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, यही थी टोटल नदियां। अब हम आपसे इसके प्रश्न पूछते हैं जो आप जवाब देंगे। धीरज खड़े जाइए, ये बताइए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी दो नदियां बनाती है? ब्रह्मपुत्र और गंगा का सबसे बड़ा डेल्टा है। अच्छा शाबाश, एक बार तालियां हो जाए। संध्या सॉरी शब्या, ये बताओ यमुना किस नदी का नाम है? ब्रह्मपुत्र। हाँ ब्रह्मपुत्र का, बहुत बढ़िया। आशुतोष खड़े जाइए, ये बताइए वो कौन सी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती। बहुत बढ़िया। रोशनी खड़े जाओ, हमारे देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी? बैठ जाओ। आपको आप ये बताइए दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी। गोदावरी, बहुत बढ़िया। आज हमने नदियों के बारे में सीखा, कल हम किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक।